देखिए हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का जो है स्टडी कर रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि जो है मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस जो है बहुत ही जरूरी है, इसलिए आप प्रैक्टिस करें और किसी भी प्रॉब्लम से जो है घबराएं मत। कोई भी प्रॉब्लम जो है क्रिटिकल नहीं होता, आप चाहेंगे तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बस आपको कंसंट्रेट होने की जरूरत है और आपको जो है एक और बात बताना है कि आपका जुनून जो है इसमें काम करेगा। तो मैं फर्स्ट प्रॉब्लम जो है पढ़ता हूं। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर, ध्यान दीजिए इसका मतलब ये टावर है और ये आपका ग्राउंड है। देखिए ये टावर सपोज करिए हम ए बी टावर है, तो ये कह क्या रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड 40 मीटर अवे, ये जो 40 मीटर अवे जो है एक पॉइंट है, दैट इज सी पॉइंट। फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। देखिए ध्यान दीजिए, एक्चुअल में ये क्या कह रहा है कि बात समझिए, टॉप ऑफ द टावर जो है का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो जो है 30 डिग्री है। क्या है? 30 डिग्री है। ये आपका टावर है। चलिए ठीक है, तो टॉप ऑफ द टावर से मैंने क्या कर दिया, ये इसको ज्वाइन कर दिया, ये लाइन ऑफ साइट हो गया, तो ये एंगल हमको क्या दिया है 30 डिग्री। चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद क्या कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ वाटर टैंक, ध्यान दीजिए एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ वाटर टैंक ऑन द टॉप ऑफ टावर, इसका मतलब एक वाटर टैंक टावर पर है, ये वाटर टैंक जो है टावर पर है। ये देखिए प्रॉब्लम में लिखा हुआ है, मैं अपने से नहीं बोल रहा हूं। तो ऑन द टॉप ऑफ टावर देखिए इज 45 डिग्री, इसका मतलब टॉप ऑफ द जो टैंक है इसका जो है एंगल ऑफ एलिवेशन जो है गिवन है 45 डिग्री। चलिए कोई बात नहीं। ये सपोज करिए ये डी पॉइंट है, क्या है डी पॉइंट। चलिए फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड डेप्थ ऑफ टैंक। देखिए तो हाइट ऑफ टावर जो है, हाइट ऑफ टावर जो होगा, अभी मैं देखिए ए बी है, क्या है ए बी है, तो ए बी फाइंड आउट करना है। इसके अलावा डेप्थ ऑफ टैंक, तो देखिए ये जो डेप्थ ऑफ टैंक है इसका जो है वैल्यू जो है आपका एडी है, तो एडी जो है आपको फाइंड आउट करना है। बस ये दो चीज जो है इन्होंने फाइंड आउट करने को कहा है। तो देखिए अब इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, ए बी देखिए अननोन है, ये देखिए बी सी जो है नोन वैल्यू है, तो घबराने की नहीं जरूरत है। सपोज करिए आप हाइट ऑफ टावर जो जिसको जो है फाइंड आउट करना है उसको हम लोग एच वन मान लें, चलिए, और ये डेप्थ ऑफ जो टैंक है उसको हम लोगों ने क्या मान लिया एच टू। तो देखिए ये आपका एच वन हो गया और ये आपका क्या हो गया एच टू, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, अच्छा देखिए ये एंगल जो है 45 है, ये एंगल 45 है, ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है 45। तो बात को समझिए, एक्चुअल में अब हम लोग ट्राइंगल को लेंगे, तो सबसे पहले हम ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल जो है डी बी सी, ध्यान दीजिए, मतलब इन ट्राइंगल
इन ट्रायंगल डीबीसी डीबीसी डीबी अपॉन ध्यान दीजिए डीबी अपॉन बीसी डीबी अपॉन बीसी इक्वल टू टैन 45 टैन 45 देख लीजिए ये क्या है आपका परपेंडिकुलर ये क्या है बेस अब आप वैल्यू रखिए डीबी की वैल्यू जो है एच वन प्लस एच टू है तो एच वन प्लस एच टू अपान बीसी की वैल्यू 40 है अपान 40 इक्वल टू टैन 45 का वैल्यू 1 होता है टैन 45 की वैल्यू 1 होता है तो इट मीन्स एच वन प्लस एच टू इक्वल टू 40 ये आपका इक्वेशन आ गया ये आपका क्या आ गया इक्वेशन आ गया अब जो है देखिए हम लोग क्या करेंगे ये जो है जो सेकंड जो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है उसको ले लिया जाए इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी तो ए बी सी को लिया हमने तो ए बी अपान जरा ध्यान दीजिए ए बी अपान बी सी इक्वल टू टैन 30 टैन 30 ए बी एच वन है तो एच वन अपान बी सी देखिए 40 दिया है तो 40 इक्वल टू 1/√3 अब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो अंडर रूट 3 एच वन इक्वल टू 40 तो एच वन इक्वल टू 40/√3 देखिए मैं आपको ये बताया हूं कि देखिए अंडर रूट 3 की जो वैल्यू है ये 1.732 से डिवाइड करना अच्छी बात नहीं है इसीलिए इसको क्या करिए रेशनलाइज कर दीजिए तो अंडर रूट 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे भी अंडर रूट 3 से डिवाइड तो ये क्या हो जाएगा 40 अंडर रूट 3 अपॉन 3 देखिए अब जो है इजी हो गया क्यों क्योंकि देखिए भाई यहां पर 3 से आप डिवाइड करना है और यहां पर जो है आपको 1.732 से मल्टीप्लाई करना है जो कि इजी हो जाएगा जो कि आप कर सकते हैं तो इसको जो है आप करिए तो ये आ जाएगा 23.1 मीटर बहुत इजी है आप इसको कर लीजिए तो देखिए आप एच वन की वैल्यू प्राप्त कर लिए क्या 23.1 मीटर अब देखिए इसमें तो जो है वैल्यू पुट अप कर दीजिए ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें जो है एच वन की वैल्यू क्या है 23.1 प्लस एच टू इक्वल टू 40 तो इट मीन्स एच टू इक्वल टू 40 माइनस 23.1 देखिए ध्यान दीजिए एक्चुअल में मैंने कुछ किया नहीं अब जो है ध्यान इसमें एच वन की वैल्यू जो आ गई उसको मैंने पुट अप कर दिया और जब इसको पुट अप कर दिया तो ये 40 माइनस 23.1 अब 40 में से 23.1 आप सबस्ट्रैक्ट कर लीजिए तो ये आपका हो जाएगा 16.9 मीटर तो ये आपका देखिए एच वन तो एच वन क्या है हाइट ऑफ टावर तो हाइट ऑफ टावर की जो वैल्यू आ गई वो 23.1 मीटर एंड डेप्थ ऑफ जो है टैंक चाहिए तो एच टू की वैल्यू आ गई आपकी 16.9 मीटर तो देखिए ये इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व हो गया अब हम लोग सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जरा ध्यान दीजिए बहुत इजी प्रॉब्लम है इसमें मैं बार बार आपसे बता रहा हूं कि इसमें करते क्या है आप वन राइट एंगल ले लीजिए उससे जो है इक्वेशन बना लीजिए फिर सेकंड राइट एंगल लीजिए और दोनों राइट एंगल का हेल्प करके आप प्रॉब्लम को क्या कर लीजिए सॉल्व कर लीजिए मैक्सिमम प्रॉब्लम जो है इसी तरह के होते हैं जो हाइट एंड डिस्टेंस के मैक्सिमम प्रॉब्लम है उसी टाइप के होते हैं देखिए अब सेकंड प्रॉब्लम क्या बोलता है
A person standing on the bank of river observe that the angle of elevation of the top of a tree standing on the opposite bank. इसका मतलब ये हुआ कि एक ट्री है, ये ट्री ए बी है, बात समझिए, जो रिवर है उसके एक साइड में ट्री है और दूसरे साइड में ध्यान दीजिए ये रिवर का जो है विर्थ है, यहां से जो है एक जो पर्सन है, बात समझिए, यहां से जो है वो क्या कर रहा है, ट्री के टॉप को देख रहा है और उसको जो है ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या मिला, 60 डिग्री, कितना मिला 60 डिग्री। अब क्या कहता है, देखिए प्रॉब्लम पढ़िए, व्हेन ही मूव्स 40 मीटर अवे फ्रॉम बैंक, इसका मतलब ये 40 मीटर अवे फ्रॉम बैंक, जरा ध्यान दीजिए ये अवे फ्रॉम बैंक, बैंक से 40 मीटर अवे जा रहा है, 40 मीटर अवे, इस देखिए आगे बढ़िए, तो ही फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, इसका मतलब ये हुआ कि ट्री का जो है, जो ट्री है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना पा रहा है 30 डिग्री, कितना पाया, देखिए ये एंगल जो है आपका 30 डिग्री। चलिए तो क्या, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री एंड विड्थ ऑफ बैंक, विड्थ ऑफ बैंक, तो ये जो दो बैंक है ये यहां से यहां तक जो रिवर का जो बैंक है ये इसको जो है फाइंड आउट करने, तो विड्थ ऑफ रिवर भी कह सकते हैं आप, तो इसका मतलब ये हुआ, सपोज करिए ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट ई है, तो कैलकुलेट क्या करना है, हाइट ऑफ ट्री तो ए बी जो है कैलकुलेट करना है, एंड देखिए विड्थ ऑफ ये जो है रिवर, तो रिवर जो वी सी है इसको हम लोगों को कैलकुलेट करना है, देखिए ये जो है ये इसको कैलकुलेट करना है और ट्री के जो है हाइट को कैलकुलेट करना, तो कोई बात नहीं, एक्चुअल में इसमें क्या है, इसको अब देखिए दो टू राइट एंगल ट्रायंगल बना हुई है, इसको हम लोग ए बी को एच मान लेते हैं, सपोज करिए ए बी इक्वल टू एच और बी सी इक्वल टू एक्स, चलिए तो अब जो है राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, तो ए बी सी तो दैट इज ए बी अपान बी सी, ए बी अपान बी सी। अच्छा एक चीज और बताना है, टैन 60, मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं, ये जो डिटेल है ये आपको पहले लिख देना पड़ेगा कि जो ए बी ट्री है, ये जो बी सी क्या है और ई पॉइंट क्या है, एंगल आप एलिवेशन कब कितना, ये सब आपको पहले एज ए कंस्ट्रक्शन जो है लिख देना है, बात समझिए, इसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ये मैं पहले बता चुका हूं। अच्छा तो देखिए अब ए बी की वैल्यू क्या है एच, बी सी की वैल्यू क्या है एक्स, तो इक्वल टू टेन 60 की वैल्यू होती है √3, तो इट मीन्स एक्स एच इज इक्वल टू, देखिए एच इक्वल टू √3 जो है एक्स, वी कैन से एक्स इक्वल टू एच अपॉन √3, चलिए तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, देखिए इक्वेशन नंबर 1 हमारा जो है फाइंड आउट। अब जो राइट एंगल ट्रायंगल जो ए बी ई है उसको लेंगे, तो इन ध्यान दीजिए इन ट्रायंगल ए बी ई, ए बी ई क्या है, ए बी अपान बी इक्वल टू टेन 30, क्या होगा टेन 30। अब देखिए ए बी की वैल्यू जो है एच है, तो एच अपान बी की वैल्यू जो है एक्स प्लस 40 है, देख लीजिए बी की वैल्यू ये एक्स है और दिस इज 40, तो एक्स प्लस 40 इक्वल टू 1/√3, टेन 30 की वैल्यू हो गई आपका।
तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो ये कितना होगा, अंडर रूट 3h इक्वल टू एक्स प्लस 40। चलिए कोई बात नहीं, देखिए अंडर रूट 3h इक्वल टू एक्स प्लस 40। अब एक्स की वैल्यू आप क्या करिए, यहां पर पुट अप कर दीजिए। देखिए एक बात बता दें, अगर आप एक्स की वैल्यू पुट अप करेंगे तो यह चाहेगा, एक्स की वैल्यू जो है पुट अप करेंगे तो यह चाहेगा, अगर एच की वैल्यू पुट अप करेंगे तो एक्स आ जाएगा, और जब एक्स आ जाएगा तो आप एच निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं, दोनों में से कोई भी आप पुट अप कर सकते हैं। तो चलिए ये हो गया अंडर रूट 3h इक्वल टू एक्स की वैल्यू, ध्यान दीजिए h अपॉन रूट 3 और प्लस 40 मैं देखिए इसको जो है यहां से इसको यहां पर जगह नहीं है इसलिए यहां पर ले रहा हूं। चलिए एक्चुअल में जो है ट्रांसफर कर दिया यहां पर, अंडर रूट 3h इक्वल टू एच अपान रूट 3 प्लस 40। चलिए कोई बात नहीं, यहां पर क्या लेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे, अंडर रूट 3h इक्वल टू, देखिए एलसीएम हो गया रूट थ्री। अब देखिए यहां पर रूट थ्री क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा एच प्लस, ये हो गया 40√3, ध्यान दीजिए 40√3। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये देखिए ध्यान दीजिए अंडर रूट थ्री 3h क्या हो जाएगा, ये 3h इक्वल टू एच प्लस 40√3। देख लीजिए अब इसको क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे, तो जब इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2h इक्वल टू, ये माइनस होकर के जाएगा तो 2h इक्वल टू 40√3, तो h इक्वल टू 40√3 अपॉन 2, इससे ये कैंसिल हो गया, तो h की वैल्यू जो आ गई ये आ गई आपका 20√3 मीटर। तो ये आपका जो है बहुत इजी प्रॉब्लम है, ये 20√3 जो है, अब इसको चाहे तो आप लोग एच इक्वल टू 20 × 1.732 और एच इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, और इसका मल्टीप्लाई करके आप लोग 34.64 मीटर, तो ये हो गया आपका हाइट ऑफ ट्री। अब क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब जो है एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, आप एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, तो देखिए एक्स की वैल्यू के लिए हमें जगह चाहिए, देखिए यहां पर हम निकाल देते हैं एच, देखिए हमारा फॉर्मूला ये क्वेश्चन जो बना है एच इक्वल टू अंडर रूट 3 एक्स, ठीक है, अच्छा इसकी वैल्यू एच की वैल्यू 20√3 आया, देखिए तो हम क्या कर दिए 20√3 इक्वल टू अंडर रूट 3 एक्स, देख लीजिए तो अंडर रूट थ्री कैंसिल, तो एक्स इक्वल टू 20। तो देखिए अब जो है हमारा दोनों जो है आंसर फाइंड आउट हो गया, तो यहां पर ए बी का जो वैल्यू है जो हाइट ऑफ ट्री था ये आप लिख दीजिए 34.64 मीटर, और जो बी सी की वैल्यू है ये 20 मीटर, ये क्या हो गया 20 मीटर। तो बहुत इजी प्रॉब्लम था, देखिए मैं फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, दो ट्रायंगल जो बन रहा है उसमें से एक ट्रायंगल लेंगे तो एक इक्वेशन बन रहा है, फिर उस इक्वेशन का हेल्प लेकर के दूसरे जो इक्वेशन जो दूसरे ट्रायंगल से बन रहा है उसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से जो है हमारा ये सेकंड प्रॉब्लम भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब देखिए जो है ये थर्ड जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है, देखिए ध्यान दीजिए कि थर्ड प्रॉब्लम क्या बोलता है, एक्चुअल में प्रॉब्लम को आप लोग सॉल्व करिए, अच्छा फिगर बनाना भी जरूरी है, फिगर बनाना भी जरूरी है। देखिए थर्ड प्रॉब्लम ये बोलता है
कि द शैडो ऑफ वर्टिकल टावर, इसका मतलब क्या है, कोई वर्टिकल टावर है, चलिए, और देखिए ये ग्राउंड है, ये क्या है, ग्राउंड है, चलिए देखा जाए, द शैडो ऑफ वर्टिकल टावर ऑन लेवल ग्राउंड इन इंक्रीज्ड, देखिए लेवल ग्राउंड इंक्रीज्ड बाय 10 मीटर, इंक्रीज्ड बाय 10 मीटर व्हेन एल्टीट्यूड ऑफ सन चेंजेज फ्रॉम एंगल ऑफ एलिवेशन, ध्यान दीजिए 45 to 30, इसका मतलब ये हुआ कि जो है एंगल ऑफ एलिवेशन जब क्या हो रहा है, सन का चेंज, भाई देखिए एल्टीट्यूड जो है चेंज हो रहा है, एल्टीट्यूड चेंज हो रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जा रहा है 45 से 30 हो जा रहा है, तो जरा ध्यान दीजिए, तो लेकिन लेकिन उस समय जो शैडो है वो 10 मीटर इंक्रीज कर जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ, जरा ध्यान दीजिए, ये आपका सपोज करिए ये 45 डिग्री है, बात समझिए, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री, भाई इसके शैडो की बात हो रही है। अब जो है जब एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 30 डिग्री हो जा रहा है 45 से 30, तो ये 10 मीटर इंक्रीज कर जा रहा है, शैडो क्या हो रहा है 10 मीटर, देखिए साफ लिखा हुआ है कि द शैडो ऑफ वर्टिकल टावर ऑन लेवल ग्राउंड इंक्रीज्ड बाय 10 मीटर, इंक्रीज्ड बाय 10 मीटर, बात समझिए, इसका मतलब ये हुआ कि दैट इज 30 डिग्री। अच्छा अब जो है क्या बोल रहा है, फाइंड आउट द हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, तो ये भी बहुत इजी प्रॉब्लम है, कोई झंझट नहीं है, दैट इज ए, दैट इज बी, सी एंड डी, ए बी टावर है तो ए बी का देखिए हाइट जो है हम लोगों को फाइंड आउट करना है, तो सपोज करिए दिस इज एच एंड बी सी इक्वल टू एक्स, अब कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले जो है राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी ले लीजिए, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ए बी अपान, देखिए ध्यान दीजिए, बी सी इक्वल टू टैन फोर्टी फाइव, अच्छा टैन 45 की वैल्यू 1 होता है, तो ए बी का वैल्यू एच अपान एक्स इक्वल टू 1, देन एच इक्वल टू एक्स, ये आपका एक फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो है अदर, जो है अदर राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी डी, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, ए बी अपान बी डी, ध्यान दीजिए ए बी अपान बी डी इक्वल टू टेन थर्टी, क्या होगा टेन थर्टी, ए बी क्या है देख लीजिए, ए बी क्या है, बहुत इजी है, ए बी जो है आपका एच है, तो एच अपान बी डी क्या है एक्स प्लस टेन इक्वल टू 1/√3, देखिए अब क्या करिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब करेंगे तो √3 एच इक्वल टू एक्स प्लस 10, देखिए ध्यान दीजिए, अब जो है हमारा ये इक्वेशन नंबर 1 से एच इक्वल टू एक्स आ चुका है, इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स के जगह पर एच, ध्यान दीजिए, तो √3 एच इक्वल टू यहां पर हम क्या लिख देंगे एच प्लस टेन, अब देखिए एच को इधर ले जाएंगे, देखिए ध्यान दीजिए एच को हम लोग इधर साइड ले जाएंगे, तो √3 एच माइनस एच हो जाएगा इक्वल टू 10, देखिए एच कॉमन ले लीजिए, तो एच जब कॉमन लेंगे तो आपका √3 - 1 इक्वल टू 10, तो एच इक्वल टू 10/√3 - 1, अब देखिए
सपोज कर, यही ये आंसर हो गया। लेकिन अगर रूट थ्री 1.732 माइनस 1 तो वो आ जाएगा 0.732 से डिवाइड 10 में करना पड़ेगा, तो वो इजी बात नहीं होती है। इसीलिए इसको क्या कर लिया जाएगा, रेशनलाइज। तो ये रेशनलाइज के लिए रूल है कि जो यहाँ जो देखिए बात समझिए, डिनोमिनेटर जो भी आया है उसके अपोजिट साइन से, तो देखिए इसका अपोजिट साइन हो गया अंडर रूट थ्री प्लस वन से क्या करिए, डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों कर दिया जाता है, तो अंडर रूट थ्री प्लस वन। चलिए तो देखिए h इक्वल टू ये हो गया 10, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो इसको ऐसे जो है अंडर रूट थ्री प्लस वन अपान, देखिए ये क्या होता है a माइनस बी और ये प्लस बी, तो ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया आपका अंडर रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। आगे देखिए तो 10 अंडर रूट थ्री प्लस वन अपान, ये अंडर रूट थ्री का स्क्वायर थ्री होगा तो थ्री माइनस वन, देखिए तो देखिए ये एच की वैल्यू आ रही है, तो 10 अंडर रूट थ्री प्लस वन, ये देखिए ये ब्रैकेट में होना चाहिए, ये जो है ब्रैकेट में होना चाहिए, 10 को थोड़ा सा मैं किनारे लिख ले रहा हूं, अपान देखिए 3 माइनस 1 क्या हो गया 2, तो देखिए एट लास्ट जो है ये कैंसिल हुआ तो 5 आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया 5 अंडर रूट 3 प्लस 1। देखिए तो ये एच की वैल्यू आपका आ गया। अगर आपको मान लीजिए डेसिमल में निकालना है इसकी वैल्यू, तो आप जो है क्या करिए, h इक्वल टू 5 इसकी वैल्यू होती है 1.732 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 5 इंटू 2.1 और 1 2, तो 2.732, और इसका जो है आपस में क्या कर लीजिए मल्टीप्लीकेशन, तो जो है आप इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 13.65 मीटर। तो ये रहा जो है, आप ध्यान दीजिए जो टावर है उसकी हाइट, ये आपके टावर की जो है क्या निकल गई, हाइट। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी प्रॉब्लम से पहली बार डरे मत, उसको पूरा जो है सॉल्व करें और क्लियर कंसेप्ट रखें, आपका सारा प्रॉब्लम जो है हाइट एंड डिस्टेंस या पूरा मैथ बहुत इजी होता है। मैं वन बाय वन जो है सारे चैप्टर्स का हम आपका वीडियो इसी तरह से जो है अपलोड करते रहेंगे। धन्यवाद।